जेट एयरवेज, क्या कहेंगे वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कोई संकेत है खरीदारी का या फिर उछाल में बेचना है आपको? अनिल जी, बहुत पीटर हुआ स्टॉक है, तो मेरा मानना है कि इधर से एक छोटा सा बाउंस बैक होना लाजमी है, तो बिल्कुल एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आज जो क्रूड की न्यूज आई है उसके चलते मुझे लगता है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड आनी चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 380 का रहेगा और ऑन द हायर साइड 392-394 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। UBL, क्या व्यू है आपका? बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है अनिल जी, और पॉजिटिव डाइवर्जेंस पहली तो बात है, दूसरी बात जब मार्केट गिर रहा था ये स्टॉक ऊपर चल रहा है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज देखने को मिलेगा। 1305 के ऊपर जब चलेगा ये, तो मेरा मानना है कि एंड ऑफ डे पे बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि आज 1320-1325 के लेवल देखने को मिल जाने पे चाहिए, और वो भी कैजुअली, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 1287 का रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं जैसे कहा कि 1320-1325 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए आज। 1320-1325 और 1305 के ऊपर निकलना चाहिए, और आपका लेवल शायद फ्यूचर का है, राइट? नहीं, कैश का है। कैश का, ओके, ठीक है, कैश में चल रहा है 1200। अपनी एक राय दीजिए, स्टॉक मजबूती दिखा रहा है, 1% मजबूत है, और आज रिपोर्ट्स भी आई हैं, मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 1800 के टारगेट के साथ, आपको कैसा लगता है ये शेयर? बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है दीपाली जी, पिछले करीबन 20 दिनों से एक छोटे से दायरे में ट्रेड करा है, और उस दायरे को क्रॉस करने की पूरी कोशिश हो रही है। मेरा ब्रेकआउट लेवल रहेगा करीबन 1737-1710 पे ट्रेड कर रहा है, पर 1737 पे के टारगेट के लिए आज इंट्राडे के लिहाज से बाय करना चाहिए। अगर 1737 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग करनी चाहिए, और इसका टारगेट करीबन इधर से 200-250 रुपए के रहेगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि करीबन 2000 के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए इस काउंटर पे। ओके, चार्ट्स देखिए जरा किरण जी, और बताइए इस स्टॉक पे व्यू क्या है, क्या कुछ और तेजी बन सकती है, खरीदना चाहिए, अवॉइड है, और इसके लिए एक काम और करिएगा, स्टॉप लॉस पक्के वाले दे दीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे बहुत होता है। बिल्कुल अनिल जी, मैं इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल ज्यादा देखने को मिल रहा है, पर चार्ट पैटर्न इतना अच्छा नहीं है कि जहाँ पे एग्रेसिव बाय करना चाहिए। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो बिल्कुल एक 4-5 रुपए के लिए मूव के लिए बाय कर सकते हैं, पर मैं अवॉइड लिस्ट में रखूंगा। अगर किसी के लॉन्ग पोजिशन है तो 562 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर चलता है तो मेरा मानना है कि ये 480 तक नीचे जा सकता है, तो बाय करके चलना नहीं चाहिए, ऐसा ही मेरा मानना है। जस्ट दैट खरीदा लगातार 3 दिनों से फिसला है, आज वापस रिकवरी दिखा रहा है, निचले स्तरों से दिन के ऊपर स्तरों पर आ चुका है, 261 के लेवल पर है, क्या ये रिकवरी और ऊपर ले जा सकती है स्टॉक को? हाँ, ले जा सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में एक 258-256 का एक अच्छा बेस बन चुका है, तो इसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए, और मेरा मानना है कि ये पुल बैक रैली में 270 के लेवल्स के ऊपर चला जा सकता है। मेरा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में 270 के ऊपर ज्यादा बनता नजर आएगा, और फिर इसके टारगेट्स करीबन 282-285 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आप बताइए एलआईसी हाउसिंग। एलआईसी हाउसिंग मेरा मानना है कि चार्ट स्ट्रक्चर एकदम फ्लैट है, ना तेजी ना मंदी, अगर तेजी करनी है तो 505 के ऊपर ही करनी है, उसके पहले नहीं, और मंदी करनी है तो 487 के नीचे ही करनी चाहिए, तो इसके बीचों बीच कुछ ना करने के लिए सलाह होगी, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है जहां पे एक एग्रेसिव बाय या सेल कॉल दे सकते हैं।